पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती, निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते, ब्याज की दरें बढ़ जाती और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पाती, बेरोज़गारी भी बढ़ जाती।